अगली खबर में बात करते हैं भागवत कथा को लेकर। रामपुर बघेलान के ग्राम पंचायत दिमऊ दलदल झिरिया टोला देवी धाम कुलभुज कुल पूज्य माता मंदिर में श्रीमद भागवत ज्ञान यज्ञ कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ, जिसमें महिला श्रद्धालुओं ने सिर पर कलश रखकर ग्राम दिमऊ में भव्य यात्रा निकाली। मंत्रोच्चारण के बीच पुरोहित अनमोल वत्स ने कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। बाल व्यास आचार्य भूपेंद्र महाराज ने कहा कि महात्म्य ज्ञान के बिना प्रेम चिरंजीव नहीं होता, अस्थायी हो जाता है। भगवान की लीला अपरंपार है, वे अपनी लीलाओं के माध्यम से मनुष्य व देवताओं के धर्मानुसार आचरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा के महत्व को समझाते हुए कहा कि भागवत कथा में जीवन का सार तत्व मौजूद है, बस आवश्यकता है निर्मल मन और स्थिर चित्त के साथ श्रवण करने की। भागवत के श्रवण से मनुष्य को परमानंद की प्राप्ति होने के साथ प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। आपको बता दें कि भागवत कथा में पहले दिन कथा व्यास ने भगवान के विराट रूप का वर्णन किया। भजन गीत व संगीत पर श्रद्धालु झूम उठे। भागवत के पहले स्कंध के श्लोक संख्या 3 में बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है कि निगम कल्पतरोर गलितों फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम निगमो वेद। संस्कृत में निगम कहते हैं वेद को। विराजिए निगम कहते हैं, इसको कहते हैं निगम। निगम कहते हैं वेद को। निगम कल्प तरोर गलितम राम राज्य का हो नहीं व्यापा। जो 3 प्रकार के ताप हैं, दैविक ताप और भौतिक ताप, इनका उन्मूलन हो जाता है निर्मक्षर लोगों के मुख से कथा सुनने से। और क्या होगा? बोले श्रीमद् भागवते महा